साबुत मिर्च, काली मिर्च, इलायची, जीरा, जावित्री, दालचीनी और ये कस्तूरी मेथी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था कि आज आलू पूरी खानी है और न्यू ईयर था तो उनको लग रहा था कि कुछ स्पेशल बन जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग में एकदम से स्पेशल चीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो मैंने सोचा चलो आलू पूरी बना लेती हूँ और सृष्टि को पसंद भी है आलू पूरी, तो बस मैं वही आलू बना रही थी और मैंने कस्तूरी मेथी डाली, साबुत मसाला वगैरह सब जैसे डालते हैं सारे उसी तरीके से बनाया। कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ रेसिपी है, सेम ही रेसिपी होती है, ये तो सिंपल ही बनता है। और मैंने इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डाला है, प्याज लहसुन वगैरह, क्योंकि भोग लगेगा कान्हा जी को, तो इसलिए सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये सब डाल के और बस मसाले डाल के सिंपल तरीके से रेसिपी बनाई है। तो आलू और पूरी का नाश्ता हो जाएगा, साथ में हो जाएगा गाजर का हलवा। तो मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मेरा नहाना नहीं हो पाया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जल्दी जल्दी का टाइम है, हस्बैंड को बहुत जल्दी निकलना है आज क्लिनिक पे क्योंकि पेशेंट का फ़ोन आया था, तो इसलिए तो बस जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और इन लोगों को दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं नहा के पूजा पाठ करके फिर मैं नाश्ता करूँगी अपना। तो यहाँ पर हो रहा है रेडी मेरा नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और बच्चे वगैरह सब फ्री हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, तो मैं नहा के आई थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ करना था और मैं बालों को थोड़ा सा ड्रायर ज़रूर लगा ले रही हूँ आजकल के टाइम में, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि ठंडा पानी होता है ना, जैसे वैसे पहले गर्म पानी से भी नहाऊँ लेकिन मैं सिर में हमेशा ना थोड़ा सा गर्म पानी नहीं डालती, अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बाल झड़ते हैं उससे गर्म पानी से, तो गर्म पानी बालों में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ लेकिन हाँ ये है कि शुरू से ही है कि मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए भगवान के लिए। तो यहाँ पर वैसे मैं जो कान्हा जी है उनकी सेवा मिली है मुझे, मतलब उनकी सेवा करती हूँ मैं, दो दो लड्डू गोपाल है मेरे पास तो वो है मेरे पास, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ और ये थोड़ा बहुत धूप बत्ती वगैरह कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर माई ऑल यूट्यूब फैमिली, आपको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और सबके लिए नया साल बहुत अच्छे से आए, खुशियाँ लाए, बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरफ हो और सभी खुश रहें। तो ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम। एक्चुअली क्या हुआ, मॉर्निंग में सुबह सुबह क्या जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था क्योंकि हस्बैंड ने जाना था, तो मैंने फटाफट आलू पूरी का वो करा काम, तो आलू पूरी बनाया था और साथ में गाजर का हलवा था। तो बच्चों का था मन पूरी खाने का, वैसे हम लोग नहीं खाते क्योंकि देखो मेरे को ना आइज़ के ऊपर ये देखिए हल्का सा मुझे लग रहा है स्पॉट सा आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो मुझे उसके लिए परहेज भी करना होगा। तो और अभी मैंने ना नहाने जाने से पहले मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना दी थी, वो भी मेरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए दूध भी बॉइल हो चुका है, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी। और बस अब मैं रह गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, सबका हो गया था मॉर्निंग में ही, मैंने करनी है। तो मैं पूरी नहीं खाऊंगी, मैं पराठा भी नहीं खाऊंगी, लेकिन पता है क्या आज सोच रही हूँ, आज नया साल है तो आज खा लेती हूँ, कंट्रोल ही नहीं होता क्योंकि मुझे ना जो सादी रोटी है ना वो मुझसे नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी अब मैं खा लेती हूँ। और लेकिन मॉर्निंग का टाइम है और नया साल भी है तो आज मैं एक पराठा खाऊँगी और बस मैं आप अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, पाठ पूजा मेरा हो गया है तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके, आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा साथ में और है ये गर्मा गर्म चाय। मैंने ना चाय अपनी स्टील के ग्लास में ही पीती हूँ मैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि चाय ठंडी हो जा रही है आजकल, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए। तो मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आज ठंड इतनी ज़्यादा है बाहर, बहुत ज़्यादा वाला फॉग हो रहा है,
और बच्चों को मेरे रूम में बच्चे अपने बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। आप लोग भी आ जाइए और मेरे साथ खा लीजिए ये आलू गोभी की सब्ज़ी, पराठा और चाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इवनिंग का टाइम और बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था कि सेवई बनाने का, तो नमकीन सेवई बनाऊंगी मैं। ये देखिए रोस्टेड वाली है ये और 100% सूजी है इसके अंदर, मैदा बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत अच्छी रहती है। मैं हमेशा यही मंगाती हूँ और इसमें ज़्यादा भूनने वगैरह की टेंशन भी नहीं होती क्योंकि रोस्टेड होती है तो टेंशन नहीं है। तो ये वाली मैं सेवई बनाऊँगी और बच्चों को दूंगी शाम को, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह होना चाहिए बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मार्केट का काम है क्योंकि बच्चों के लिए कुछ लेना था मुझे सामान। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।